नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने घर पे सूरजमुखी के बीज को उगा सकते हैं। ठीक है, इस बीज को मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। देखिए बीज की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, ये मिक्स कलर में है, कई कलर के फूल निकलेंगे इसमें। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सतना नर्सरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरे नोटिफिकेशन वीडियो पा सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए अगर आपके पास ग्रोइंग ट्रे नहीं है तो आप नॉर्मल ये डिस्पोजल यूज़ कर सकते हैं। इस डिस्पोजल पे मैंने नीचे से देखिए होल बनाए हुए हैं जिससे क्या है पानी इस पर रुकेगा नहीं। ठीक है, इसमें हम क्या है मिट्टी डालेंगे, तो मेरी नॉर्मल गार्डन की सॉइल मिट्टी है। इसमें मैंने कोकोपीट और गोबर की खाद मिक्स की है जिससे क्या है जल्दी से और बेहतरीन तरीके से ये उग के आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसके बाद हमें सूरजमुखी के बीज को लेना है और देखिए ये है सूरजमुखी का बीज, चोंच वाला जो हिस्सा है इसको आपको नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, देखिए कैसे लगाना है आपको, इसको ऐसे यहाँ गाड़ देना है, सभी पे मैं गाड़ूंगा। गाड़ने के बाद हम इसे मिट्टी से ढक देंगे ताकि कोई चिड़िया वगैरह इसे बाहर ना निकाल पाए या ये डायरेक्ट सनलाइट में ना रहे। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बीज हैं। मैंने सारे बीजों को लगा दिया है, अब इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी से ढक दूंगा ताकि ये जो बीज बाहर की तरफ दिख रहे हैं ये दिखना बंद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसमें पानी से थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डालेंगे ताकि बीजों को उगने में आसानी रहे। इसे हम डायरेक्ट सनलाइट पे भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सूरजमुखी सीजन का फूल है ना। इसे आप फरवरी से मार्च तक लगा सकते हैं, गर्मियों में ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब देखिए मैं इसमें हल्का हल्का पानी सींच दूँगा, पानी आपको ऐसे नहीं डालना है कि बीज बिल्कुल बाहर आ जाए, आपको हल्के से पानी डालना है। ठीक है, पानी मैंने सीख दिया है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे